जोशीमठ देवनगरी भूधसा की चत में है, तो मोटी मोटी दरारों के कारण कई लोग पलायन भी कर चुके हैं। यहां तक कि जो आशियाने खतरे में हैं, उन परिवारजनों को प्रशासन के द्वारा राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल पीड़ित परिवार राहत शिविरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बात तो यह है कि भूधसाव के चलते सभी दुकानदार इस वक्त भुखमरी की कगार पर हैं। वहीं सभी दुकानदारों का कहना है कि जब से जोशीमठ नगर में भूधसाव के मामले सामने आए हैं, तब से हम लोगों के व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ा है। वहीं कई दुकानदारों का कहना है कि वे लोग दुकान का किराया तक नहीं दे पा रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार को इस वक्त हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट। अगर हम बात करें तो व्यापार आज की डेट में बिल्कुल जीरो है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यह है कि आने वाला त्यौहार जो है होली का है, और बड़ा माहौल बड़ा गर्मगराही रहता था कि ये सोच के कि हाँ आने वाला होली का त्यौहार है, तो माहौल बहुत गर्म रहता था। आज ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोग अपने घर को छोड़ के जा चुके हैं, शिविर में रह रहे हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। आज ऐसे हालात हो गए हैं कि मार्केट बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। जो आप व्यापारियों की समस्याओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं। हम भी इस आपदा में बद्रीनाथ गए थे, उसमें हमारे प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे जनपद चमोली से हमारे नगर इकाइयों के अध्यक्ष और मैं जिलाध्यक्ष मैन प्रकाश सिंबल, जोशीमठ में हमने व्यापारियों का जायजा लिया। हमारे व्यापारी हताश और निराश हैं।